इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां केदारनाथ में फंसे मध्य प्रदेश के श्रद्धालुओं का रेस्क्यू कर लिया गया है। ये बहुत बड़ी खुशी की बात है, जहां केदारनाथ में यात्री फंस गए थे, जो कि केदारनाथ के दर्शन करने गए थे और अब वो मध्य प्रदेश के रहते थे और अब उन्हें रेस्क्यू कर लिया गया है। बता दें, अब सिर्फ 10 श्रद्धालुओं का रेस्क्यू होना बाकी है, बाकी श्रद्धालुओं का रेस्क्यू कार्य हो चुका है। केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने अधिकारियों से फोन पर भी बात की और NDRF के अधिकारियों से मंत्री सिंधिया ने ये बात की जो कि सामने आई है। वही केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने अधिकारियों को निर्देश दिया, संबंधित निर्देश दिए कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करने चाहिए। और केदारनाथ में बादल फटने से अब तक 11 लोगों की मौत हो चुकी है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां केदारनाथ में फंसे मध्य प्रदेश के श्रद्धालुओं का रेस्क्यू किया जा चुका है। केदारनाथ में फंसे मध्य प्रदेश के श्रद्धालुओं का रेस्क्यू किया जा चुका है, जो कि बाबा केदार के दर्शन करने आए थे। बता दें, अब सिर्फ 10 श्रद्धालुओं का रेस्क्यू होना बाकी है, बाकी श्रद्धालुओं को रेस्क्यू कर लिया गया है। बता दें, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अधिकारियों से फोन पर इससे संबंधित बात भी की और NDRF के अधिकारियों को निर्देश भी दिए गए, उनको दिशा बताई गई, उनको निर्देश दिए गए। केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने अधिकारियों को तमाम निर्देश दिए इससे संबंधित, जो कि जरूरी है समय। और केदारनाथ में यह भी बता दें आपको, बहुत बड़ा अपडेट है, जहां बादल फटने से अब तक 11 लोगों की मौत हो चुकी है और जो श्रद्धालु केदारनाथ में मध्य प्रदेश के फंसे हुए थे, उनका अब रेस्क्यू किया जा चुका है।